हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं एक घरेलू नुस्खा जो एड़ी फटने के काम में आने वाली है। सर्दियों में तो सभी के पैर के एड़ी ड्राई हो जाते हैं और फट जाती हैं किसी किसी के तो, और उसमें से ब्लड भी आने लगता है और दर्द होता है। तो यह नुस्खा आप सभी के लिए बहुत ही कारगर नुस्खा है, इसको आप ट्राई करिएगा। इस नुस्खे को अगर आप अपनाएंगे तो आपकी एड़ी कभी ड्राई नहीं होगी और मुलायम दिखेगी। हर कोई चाहता है कि मेरी एड़ी स्वच्छ और मुलायम दिखे, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी, और इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आएगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया है ये सरसों का तेल है। तेल को हम गरम करने के लिए रख दिए हैं, ज़्यादा तेज आंच पर इसे नहीं गरम करेंगे, नहीं तो हमारी कटोरी जलने लगेगी। और ये वाला हमने मोमबत्ती ली है तो इसको भी हम लिए हैं, और ये वासमीन लिए हैं और नारियल का तेल लिए हैं, और ये वाला कैप्सूल लिए हैं। जो कभी कभी आंखें उठ जाती हैं तो मतलब लाली पड़ जाती है आंखों में, तो ये आंखों में डालने वाली है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हमें कैसे बनाना है देखिएगा। तो हम ये नारियल का तेल इसी में डाल दे रहे हैं, सरसों के तेल में हम इसको भी डाल दे रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं हमें डालना है, इतना और डाल देंगे। और ये भी अब गर्म होने लगा है तो इसी में हम ये थोड़ा सा वासलीन ये जो लिए हैं इसको भी हम इसी में डालेंगे, ज़्यादा इसे भी नहीं डालना है। इसको आप अपने लिप्स पर भी लगा सकते हो, और किसी किसी के हाथों में भी ऐसे रेसे रेसे हो जाते हैं, काले पड़ने लगते हैं, हाथों के चमड़े भी ड्राई हो जाते हैं, तो ये हाथों में भी आप इसको लगा सकते हो। और इसको हम ऐसे तोड़ तोड़ कर इसमें ऐसे डाल देंगे, और जो मतलब डालने के बाद ये अभी पिघलने लगेगा, और जब पिघल जाएगा तो इसमें का जो धागा होता है उसको हम निकालेंगे बाहर। और ये जो हम लिए हैं इसको हम ऐसे काट दिए हैं कैंची से, और इसको हम ऐसे इसमें इस तरह से ऐसे हम इसमें का ऐसे निकाल देंगे और तेल में मिला देना है इस तरह से। तो ये पांच ये कैप्सूल हम पांच लिए हैं, तो ये पांचों को हम इसी में हमें डाल देना है काट करके, और गर्म होने के बाद देखिए इसमें से ये धागा निकल गया है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको लगाना कैसे है मैं बता देती हूँ। पहले गुनगुना पानी कर लेना है, मतलब जितना हमारा हाथ सह पा रहा है तो उसी पानी में हमें नमक डाल देना है, और नमक डालने के बाद हमें उसी में थोड़ा सा शैम्पू डालना है, और ब्रश से अपने पैर को साफ कर लेना है। साफ करने के बाद उसे किसी भी तौली से आप उसको उसमें का पानी सुखवा लीजिए, और सुखवाने के बाद इस तेल को आप लगाइए अपने एड़ी में, और उस पैर में पालथीन बांध करके आप उसके ऊपर से सॉक्स पहन लीजिए, क्योंकि पालथीन अगर रहेगा तो हम जब पैर
नीचे रखेंगे तो फिसल जाएगा, तो इसलिए उसके ऊपर से हमें सॉक्स पहन लेना है। और जहाँ तक हो सके इसको आप रात में ही लगाइए, क्योंकि रात में हमें चलना नहीं होता है और पॉलिथीन बांधने से हमारे बिस्तर भी नहीं खराब होंगे। तो इसको इस तरह से लगाना है। तो ये अब गर्म हो गया है, देख सकते हैं आप इसमें से धुएं उठ रहे हैं। तो अब हम अपना ये इंडक्शन ऑफ कर देंगे, अब एक दूसरे में मिक्स हो गया है। तो इसको हम अब क्या करेंगे अब दिखाते हैं आपको, अभी जब ठंडा हो जाएगा तो हम दिखाएंगे। तो ठंडा होने के बाद देखिए कुछ ये इस तरह से हो गया है, देख सकते हैं अभी। तो इसे हमें किसी बाटल में रखना है, तो इस तरह की बाटल में हम रख रहे हैं अभी। इसी तरह की बाटल में, मतलब जिसमें से आप आसानी से निकाल सकें उसी तरह की बाटल में रखिएगा, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जम जाते हैं, क्योंकि इसमें मूंग रहता है और नारियल भी रहता है, नारियल का तेल मतलब, तो इसीलिए ये जम जाता है। अगर केवल सरसों का तेल रहे तो नहीं जमेगा। तो इस तरह से हमें रखना है, स्टोर करना है। ऐसा नहीं कि इसको एक ही दिन लगाने से आपके पैर केड़ी मतलब मुलायम हो जाएगी, इसको आप 1 हफ्ते 15 दिन तक आप लगाइएगा, उसके बाद ही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कैसा लगेगा आप लोग तो खुद ही ट्राई करिएगा, और इससे मेरी गारंटी है 100% इससे आपको फायदा होगा, इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ऐसे ही हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।